लवली मेंटेन्ड। सम कॉमन एरिया फॉर डाइनिंग एंड वी हैव आवर ओन प्राइवेट कॉटेज आई गेस। नाइस एंड द आइस ऑन द वे। वाओ नाइस। So everything is good. This is nice. Full power. यहाँ पे करते हैं रात के सीन। So it's a very good morning from Munsiyari. Atmosphere here was very nice. Minus mein temperature tha 8 minus 10 sab freezing bhai. Aur room bahut pyara tha gadde mein yaar. Niche heater laga hua hai. To us wajah se bhai late the hi neend aa rahi thi. Ye iski wire aur control to bahut badhiya cheez lagi yaar thand mein. To koi thand ka mehsoos nahi hota aise kamre ke andar. तो अब चलने का टाइम है यहाँ से। बहुत प्यारे प्यारे शॉट ले लिए और सारे रेडी हैं नहा धो के। बहुत प्यारी धूप आ रही है और यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। और ऐसी जगह है भाई उत्तराखंड अंडर मतलब एक्सप्लोर्ड है, अंडर डेवलप तो नहीं अंडर एक्सप्लोर्ड है। तो यहाँ पे जैसे हमें बता दें गोडे गोडे तक बर्फ़ होएगी वो तो नहीं मिली है, लेकिन थोड़ी बहुत बर्फ़ है। और कल परसों जैसे हमें तो आज निकलना है तो कल परसों की भी स्नोफॉल दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं अपने को नहीं मिली स्नोफॉल। बट यहाँ से निकलेंगे, अभी रास्ता लंबा है 19 किलोमीटर मतलब कितने घंटे 19 घंटे का 17 घंटे का रास्ता है और अभी 10 बज चुकी है। तो निकलेंगे आराम से टाइम से, तभी टाइम से पहुँचेंगे। रात को या तो लेट होंगे या कल निकलेंगे, आज रात को कहीं स्टे भी ले सकते हैं। लेट्स गो। So this property is the only best property in Munsiyari. We asked someone and they told us if you want to experience the best just go to Himalayan Glamping. So we paid 5k per room and you have seen the luxury we have in the mountains. So a best place to stay. And there's also a Pinewood hostel. The view from there is very nice. Let me take you to that. Come. कैसा लग रहा है आपको इतनी हाइट पर पहुंच के? लगा ही नहीं था इतनी हाइट पर आ जाएंगे और ऐसा कुछ मिलेगा। एक्सपेक्ट ही नहीं करा था हमने कुछ कि ये सब मिलेगा, बिना बुकिंग के हमें कमरे मिल गए, इतने बढ़िया बढ़िया कॉटेज मिल गए। हाँ जैसे लोग कह रहे थे 8000 लोग ऑलरेडी ऊपर हैं और यहाँ में 800 लोग नहीं देखे बाहर के, 100 लोग भी नहीं होंगे। फिर हिमांशु जी आप अंदर जाएगा, आप क्या बताना चाहेंगे? जाओ प्यार के साथ अंदर। ये फ्रेश है स्नो? ओ ये देखना, फिर आप ट्राई करिए। पकड़ने का घुस जी भले ले पकड़ लिया जो जो चल घुस जा।
well, that's all glaciers, and down there it's cloud bed, all cloud bed. यहाँ पे मेरे को, और पहले मैं बता देता हूँ कि हमारे पीछे जो है दैट इज हिमालयन रेंजेस, ऑल माउंटेन्स, एंड दैट इज पंचोली ऑल्सो, एंड बिहाइंड दैट दैट इज नेपाल. तो भाई पीछे बॉर्डर है और नीचे हमारे जा रहे हैं क्लाउड बेड. भाई ऐसे सुबह से ऐसे ही है और तब से GoPro चार्ज पे था, मैं वेट कर रहा था कब मैं इसको शूट कर पाऊंगा. तो बहुत औसम है. और बता दूं आपको पताल भुवनेश्वर के बारे में, तो भाई ये एक ऐसी लोती जगह है जो दुनिया की सबसे पुरानी, जहाँ पे केव्स हैं और जहाँ पे खुद भोलेनाथ की जटाएँ हैं जिसमें से पानी टपक रहा है, जहाँ पे गंगा मैया को उन्होंने जटाओं में अपने समाया था. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पहुँचेंगे और दिखाते हैं. बहुत प्यारी सी केव है, 90 फीट हमें नीचे जाना पड़ेगा इस गुफा के अंदर, और उसके बाद नीचे 150 मीटर प्लेन है, उसके अंदर बहुत से अलग अलग अद्भुत जगह, मतलब अद्भुत अवतार दिखाए गए हैं भगवान के. जिनको बिलीव नहीं होता उनके लिए भी यहाँ पे प्रमाण है. तो भाई चलते हैं लेके और दिखाते हैं क्या है. तो वही कल भी हम यहाँ पे आए थे, कल भोले ने दर्शन दिए नहीं थे, हम ऊपर से देख रहे थे. तो 5 बजे तक का टाइम ऑनलाइन हमें दिया था और 4:30 बजे मंदिर बंद कर दिया था कि नीचे केव्स में कोई नहीं जा सकता. तो कल हम वापस निकल चुके थे, रास्ते में भोलेनाथ जी ने वापसी बुला लिया हमें. तो हम आज, मतलब कल वहाँ पर रुक के आज दर्शन करने आ पा रहे हैं. तो भाई सबका मंडे है, सबका वर्किंग डे, और सबकी छुट्टी करा दिया भोलेनाथ जी ने. ये हमारे पीछे आ रहे हैं कपिल भैया, इनसे, हाँ इनसे मिले नहीं थे ना पहले ढंग से. तो भाई ये कपिल भैया, दिस इज, हाँ पीछे अंकुश भैया रह गए, आगे हमारे आर्किटेक्ट साहब जा रहे हैं. तो भाई ये कपिल भैया से मिलना था. कपिल भैया पानीपत में रहते हैं और भैया का यूटेंसिल्स का काम है, मैन्युफैक्चरिंग, ऑल टाइप ऑफ यूटेंसिल्स, एल्युमिनियम, हॉट एनोडाइज, कॉपर, स्टील, ठीक है, ठीक है ना, सब कुछ है. तो होलसेल में काम करते हैं, ऐसे कोई काम नहीं है. लेकिन हम बात कर रहे थे पताल भुवनेश्वर की. तो कल भी यहाँ आया था मैं, लेकिन कल दर्शन नहीं मिले थे. आज बहुत प्यारे दर्शन मिलने वाले हैं, टाइम से पहुँचे हैं 9:30 बजे, और 9:30 बजे मंदिर खुलते हैं. और थोड़ा सा रास्ता है 10 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा. और लेफ्ट साइड पर यार इतने तगड़े क्लाउड बेड्स हैं, इतने प्यारे लवली से, मज़ा ही आ रहा है. और पिछले उसमें तो देख ही लिए होंगे ड्रोन शॉट्स में. चलो अंदर चलते हैं मंदिर के, लेट्स गो. बजा लो फिर, नहीं बजाया दो. टेढ़ा क्यों कर रहे हो यार? चलो तो भाई दर्शन बहुत प्यारे हुए हैं, बहुत ज्यादा प्यारे, बहुत ही अद्भुत जगह है. एक तो कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं बना नहीं पाया. मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी यूट्यूब पे, वहां पे कैमरा वो लेके गए हुए थे, तो ये कह रहे परमिशन चाहिए दिल्ली से इधर उधर से, तभी आप बना सकते हो, तभी मैं बना नहीं पाया. लेकिन बहुत ही अद्भुत जगह है, जाओगे तो भाई सीरियसली कुछ ना कुछ अलग मिलेगा. शिव जी जी की जटाएँ दिखेंगी, गणेश जी का जहाँ पे धर रखा गया था काट के वो जगह है, कैलाश जाने की, बद्रीनाथ जाने की, अमरनाथ जाने की अलग अलग गुफाएं हैं, और भी बहुत कुछ. तो लेकिन चीज़ एक्सप्लोर करने वाली है. और हिंदू धर्म में जो इतना प्यारा चल रहा है उसमें प्रमाण दिए गए हैं यहाँ पे. तो भाई मस्ट विजिट, यात्रा मंगल में हो और बहुत मंगल में हुई है. तो लेट्स गो. हेलो, कौन है ये? वी हैव समवन ऑन द कॉल, वीडियो कॉल, दैट इज वैभव भैया. हाय,
तो भाई दैट्स वैभव भैया फ्रॉम मनाली, ठीक है ना। चलो भाई, तो भाई खुद आना है, एक्सप्लोर करना है और बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी। विश्वास और बढ़ जाएगा जो बिलीव करता है, और जिसको विश्वास नहीं है उसको भी विश्वास हो जाएगा। ऐसी जगह है लेकिन नहीं दिखा पाए, कोई बात नहीं, आप आओ एक्सप्लोर करो। बाय।